नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आपने देखा होगा पुरुषों के कपड़ों में हमेशा ही पॉकेट होती है, लेकिन महिलाओं के कपड़ों में जेब बहुत ही कम पाई जाती है। ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा कहा जाता है कि पहले के ज़माने में पुरुष पैसों को लेकर महिलाओं पर विश्वास नहीं करते थे और पुरुष खुद ही घर की सारी आर्थिक गतिविधियों का ध्यान रखते थे। इसी कारण महिलाओं के कपड़ों में जेब नहीं हुआ करती थी। पहले अंग्रेज महिलाओं के कपड़ों में भी जेब नहीं होती थी और इसे लोग मर्दानी चीज़ समझते थे। आइए जानते हैं इसका जवाब, लेकिन इससे पहले ये भी जान लीजिए कि पुरुषों के भी ऐसे कपड़े हुआ करते थे जिनमें जेब नहीं हुआ करती थी। बता दें कि 1837 के जमाने में ऐसा ही था। वेस्ट में स्कर्ट पहनने का काफी चलन था और इनमें पॉकेट बनाने की गुंजाइश ही नहीं हुआ करती थी। कहा जाता है कि साल 1840 के बाद जब आम महिलाओं के लिए कई तरह के डिजाइनर कपड़े बनने लगे थे, तो उस समय अमीर घरानों की महिलाएं इन डिजाइनर कपड़ों को बनवाती थीं। वे बड़े गले, पतली कमर, शरारा आदि पहनती थीं जिनमें जेब के लिए कोई जगह नहीं होती थी। इसके बाद जब महिलाओं को भी अपने कपड़ों में पॉकेट की जरूरत महसूस होने लगी, तो उन्होंने जेब वाली पैंट पहनना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें भी उन्हें कमी महसूस होने लगी, तो महिलाओं ने इसके लिए गिव अस पॉकेट अभियान शुरू कर दिया था, क्योंकि वे इस मर्दानी चीज के टाइपों को खत्म करना चाहती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी पुरुष और महिलाओं की जेब को सिलने का तरीका अलग अलग होता है। जहां महिलाओं के पॉकेट का साइज छोटा होता है, वहीं पुरुषों के पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा होती है। साइज की बात करें तो पुरुषों की जेब का साइज लंबाई 9 इंच और चौड़ाई 6 इंच होती है, वहीं महिलाओं के पॉकेट की लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 6 इंच रखी जाती है। महिलाएं कपड़ों को लेकर सुविधा को नहीं बल्कि फैशन को पहले देखती हैं, और यही वजह है कि डिजाइनर्स उनके कपड़ों में जेब नहीं बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मार्केट में कई पॉकेट वाली वैरायटियां महिलाओं के लिए भी आने लगी हैं, जैसे कॉटन पैंट्स, जीन्स, कुर्तों में भी अब जेब का ऑप्शन आने लगा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।